आलोट में अभिभाषक संघ ने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें एडीजे सहित लगभग 35 न्यायाधीश भी शामिल हुए। इस अवसर पर वकीलों के लिए बनाए गए चैम्बरों का उद्घाटन भी किया गया। आलोट में अभिभाषक संघ ने वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता का अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही वकीलों के लिए बनाए गए चैम्बरों का उद्घाटन भी किया गया। चैम्बर निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह परिहार व एडवोकेट एवं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विमल एफ जैन ने बताया कि माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अभिभाषकों को आग्रह कर न्याय परिसर में स्थायी चैम्बर के निर्माण हेतु स्वीकृति के उपरांत नवनिर्मित चैम्बर का उद्घाटन भी प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया। इस अवसर पर निर्माण समिति द्वारा अभिनंदन उनका समारोह किया गया। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश को न्याय की देवी के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट की गई। मेरे साथी न्यायाधीश एवं उनके परिवार के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद आलोक की एसडीएम मनीषा मैडम एवं अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, बेहद खुशी की बात है कि आज आलोक न्यायालय परिसर में 38 अभिभाषक गण द्वारा अपने अस्थायी चैम्बर्स का निर्माण किया गया है। इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी कि ये मांग उनकी वर्षों पुरानी थी। मैंने जैसे ही उन्होंने मांग की तो मुझे ऐसा लगा कि किसी भी एडवोकेट को न्यायालय परिसर में सम्मानजनक रूप से बैठने का एक अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए।